आइए हम सब मिलके इस वचन के लिए और एक वर्स बनेगा, उसको हम लोग फोकस करेगा। आइए हम सब मिलके ये वचन को पढ़ने के लिए आइए हम सब मिलके तीन बार प्रेस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। इफ यू हैव द बाइबल प्लीज टर्न विद मी टू द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 वर्स 32। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल है, तो प्लीज खोलिए मेरे साथ लुका के सुसमाचार, लुक लुक चैप्टर 24, लुक चैप्टर, इट इज इन द न्यू टेस्टामेंट, लुक चैप्टर 24 वर्स 32। यहां कुछ बहुत गहरा चीज, कुछ बहुत खतरनाक चीज बताता है, इस चीज को जस्ट आपको बताएंगे, इसके बाद मैं खत्म कर लूंगा। They said to each other, was not it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scripture to us? Yeah, a personal question mark diya hua punctuation mark grammar mein aise se grammatically kuch question mark diya hua prashna diya hai ek dusre ko puchne laga hai aise bolta hai jab uska saath hum chal ke baat kar raha tha चलते चलते जब बात कर रहा था परमेश्वर पवित्र शास्त्र के विषय में, क्या ऐसा नहीं हुआ कि मेरा दिल हमारे दिल बुक नहीं चला क्या? मतलब हमारे दिल आग की तरह नहीं हुआ क्या? लगे आग जैसे लग गया था, ऐसा नहीं हुआ क्या? ये बात बोलता है, ये ऑन द वे टू इमाउस, इमाउस बोलते हैं इमाउस रोड, यीशु जब कब्र में, यीशु को जब दफना दिया था, मतलब यीशु ने जब यीशु को कब्र के अंदर में डाल दिया, उसके बाद तीन दिनों के बाद जी उठा, कोई पता नहीं कि इस पृथ्वी में कोई जी उठने वाला ऐसा परमेश्वर नहीं रहा इस पृथ्वी में, तो ये लोग जी उठने के लिए मरने का बाद आत्मा ही उठेगा करके ये लोग भरोसा करके जीता था। तो अचानक यीशु ने क्या किया, देखो कब्र में, कब्र से निबू बोल, निबू बोलता है ना, निबू नो क्या बोलता है, निबू है कोई उनमें पास्टर डेविड सर जैसा आके बीच में आके वो बात करने लग गया, जब यीशु ऐसे, जब इमाउस रोड में दोनों जो है यीशु का क्रूसीफाई को देखा है, यीशु मरते हुए देखा है, यीशु को कैसे दफना दे उसको भी देखा है, ये दोनों दो आदमी यीशु ने जैसे मिरेकल्स किया है सारा चीज को देखा, देखने का बाद ये दोनों जो है यीशु मर गया, अभी किसका साथ रहेगा, क्योंकि अपने देश की ओर जा रहा था, तो जाते समय दोनों आदमी जो है यीशु के साथ रहे थे, चोर के उस जगह को, जो कि अपने घर अपने देश की ओर जा रहा था, तो चला तो क्या हुआ, दोनों जा रहा है तो अचानक से यीशु उस बीच में आ गया, सब बोलो यीशु, सब बोलो यीशु, यीशु हालेलुया, यीशु आ गया, तो अचानक से आ गया यीशु, कैसे करके, क्योंकि ज्यूस लोग का कल्चर था, इन लोग का सिस्टम था कि टोपी रहेगा ऐसे पीछे, इन लोग ज्यादा मुड़कर नहीं देखता, ऐसे पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन लोग दोनों दोनों बात करके जा रहा था, ऐसे यीशु बोला कि इजराइल देश में अच्छा एक प्रोफेट आया था, अच्छा चंगा करने वाला, अच्छा वचन बोलने वाला, एक अच्छा एक प्रोफेट था, इसको कैसे करके आदमी लोग मार दिया करके, दोनों बात करके जा रहा था, तो यीशु बीच में आके उस चीज को बताता है, आप दोनों पवित्र शास्त्र जो पुराना नियम में लिख कर रखे उसको नहीं पता है क्या? जब यीशु बात करने लग गया तो क्या हुआ, भाग भाग वर्स 32 बताता है, दोनों बता रहा है, जब यीशु दोनों जब बात कर रहा था दिल नहीं चला, जब यीशु बात करने लग गया उन ये दोनों का दिल जो है बहुत अलग हो गया, हालेलुया, दोनों बात करने से एकदम मजा था, लेकिन जब यीशु आके बीच में आके बात करने लग गया दोनों का दिल आग जैसे जल रहा, उस तरह दोनों का दिल जग रहा है, कितना अजीब सा है ना, नहीं प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत एक गहरा चीज बताता है, यीशु जो है ये सारा परमेश्वर का वचन जो है स्वर्ग से आया, इसलिए उसको प्यार करने वाला चंगा मिलता है, हालेलुया, इसलिए उसको प्यार करने वाला, उसको पालन, उसको मान के चलने वाला, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का लैंग्वेज है, पवित्र आत्मा का भाषा है, पवित्र आत्मा का लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे अननोन टंग, नोन टंग बोलते हैं, अननोन एंड नोन, नोन मींस अननोन
अननोन, अननोन मतलब नॉन ह्यूमन, इस पृथ्वी में कोई लैंग्वेज नहीं है, और अदर टंग का मतलब इस पृथ्वी में लैंग्वेज है, पवित्र आत्मा किसी लैंग्वेज में बात करने देगा, और तीसरा लैंग्वेज आगे जो आया है ये बाइबल है, प्रेज द लॉर्ड, ये उसको सब समझता है, इसलिए वचन सुनने से कोई लोग चंगा हो जाता है, कोई खुशी मिलता है, हालेलुया, कोई जीवन मिलता है, इसके लिए इस चीज को परमेश्वर का वचन को, इसलिए इसके लिए लोग मरता भी है, क्योंकि इसमें कुछ अजीब सा चीज है, इस वचन को गवाही देके कोई लोग अपना जान को भी कोई परवाह नहीं किया, चिंता भाव भाई, कोई कोई लोग इस वचन के लिए कोई लोग मरा भी है, अपना जान भी दिया, खून बहाया, लेकिन अपना जान चाहते अपना जान को कुर्बान करके कुछ उसमें कोई चिंता नहीं किया, ना पीछे मुड़कर देखा है, इसके लिए कोई लोग जान भी देता है, क्यों बोले से इसमें कुछ सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर के स्वर्ग से आया है, प्रेज द लॉर्ड, ये दोनों जब यीशु बात कर रहा था दिल जलते लगे थे, सोच कर देखो, ये इसीलिए परमेश्वर का वचन इसीलिए बोलता है, यीशु का वचन जो है हम जब उसको प्यार करके चले, उसको मान के चलेगा, आपका दिल में आग बढ़ जाएगी आपकी आत्मा में, और एक तरीका है जब आपका जो वचन सुनते समय दिल झटका कुछ जबरदस्त झटका मारता है, उसमें एक भरोसा याद रखो कि आपका जो आत्मा आपका प्राण है उसको पवित्र आत्मा वचन के द्वारा जीवन दे रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इसलिए बोलो फैमिली मुल्क एज ए क्रिश्चियन रिवाइवल, रिवाइवल नियर, एकदम इस चीज पर मुझे जान के चलना चाहिए, भरोसा करके चलना चाहिए, जो कुछ भी हथियार जो दुनिया में दिखाई देता है ये नकली बाजी है, सारा चीज कभी भी खत्म होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी खत्म नहीं होगा, हालेलुया, इस वचन को विश्वास का मतलब परमेश्वर का वचन को प्रेम करके जियो, उसको मान के चलो, इसी में जीवन है, परमेश्वर का हाथ अगर देखना चाहता है इस वचन में, परमेश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का स्वर्ग में जैसा ताकत अधिकार जैसे परमेश्वर शासन करता है, वो भी सारा चीज इस वचन में जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह वचन को मान के चलो, भरोसा करके विश्वास, भरोसा करके चलो, यीशु को विश्वास करो, हालेलुया, पवित्र आत्मा इस वचन के अंदर इस पृथ्वी में जितना भी इंसान उसको नया जीवन देने के लिए हमेशा तैयार में रहता है, लेकिन मूल वही इंसान है, वो आगे भी बताया, कभी ऐसे भी हो जाता है चर्च लोग तकलीफ वाला जब कमजोर वाला ना रहता है तो मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत तकलीफ भी होता है, तो इंसान को भरोसा नहीं करके परमेश्वर का वचन को प्यार करो, जितना हो उतना गहरा भी प्यार करो, हालेलुया, एक दूसरे को जब साथ में होने से पहले जैसे माँ पिताजी बनने से पहले जब एक दूसरे को जब दिल से प्यार कर करता है तो दिल जो लग जाता है तो वे इसमें होने का बाद ही प्यार हो जाता है, मतलब शादी हो जाता है, हालेलुया, इसी तरह ये वचन भी ऐसा है, परमेश्वर का वचन को इतना गहरा में प्यार करो या प्रेम रखो उसके साथ जितना वो अपना बीवी बच्चा को अपना पति पत्नी को प्यार करते उससे ज्यादा गहरा प्यार करो, हालेलुया, आपके आत्मा में आपका शरीर आपके आत्मा में आपके शरीर में ये जो है ताकत, परमेश्वर का वचन कहता है द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड एक्टिव एंड शार्पर देन एनी डबल एज्ड स्वॉर्ड बोलता है, परमेश्वर का वचन जो है वो माने तलवार से भी ज्यादा करके धारण होता है, सोच कर देखो इस चीज को भरोसा करके चलो परमेश्वर को विश्वास करो, ये वचन ही जो आपके शरीर आत्मा जो आत्मा में दुख दर्द है ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा लड़ेगा, परमेश्वर अगर आशीष भी करेगा प्रेम भी करेगा इस वचन से बाहर नहीं करेगा, प्रेज द लॉर्ड, ये वचन जो लिखा गया है बताया गया आपको आशीष करेगा आपको चंगाई करेगा, ये सारा चीज बाउंड्री के विषय में भी बताता है, ये वचन के बाहर से कोई चंगा नहीं करेगा, चंगा नहीं मिलेगा, और मूल आजकल बोलता है ना आजकल बदनाम करने के लिए आदमी को समय नहीं लगता है, किसी दूसरा इंसान का हिसाब किताब करने के लिए समय नहीं लगता है, लेकिन अपना आपको हिसाब करने के लिए बहुत समय लगता है, ऐसा होता नहीं होता है, हाँ ज्यादातर ऐसा होता है, तो मुर्गे क्रिश्चियन है पाप भी कोई किसी के पाप कोई दुकान बन के खोलता है, दुकान खोलने वाला पाप का दुकान खोलने वाला भी होता है और दूसरा का दुकान भी जाके पाप कमाने वाला भी होता है, ये चीज को मुझे जानना पड़ेगा, प्रेज द लॉर्ड, एज अ क्रिश्चियन परमेश्वर का वचन के बाहर जाएगा उसी को पाप बोलता है, इसका बाहर जाएगा वो पाप है, कि मूल आज नौ बपतिस्मा लेने के बाद यीशु को ग्रहण करने के बाद विश्वास रखने के बाद अगर मूल पाप बोलता है तो इस वचन के विरोध में आप पाप कर रहे हैं,
इस वचन को आपने उल्लंघन किया, तोड़ दिया, मतलब पाप है। इस वचन को तोड़ना, डिसोबीडियंस होना, यीशु के लहू को आप डिसोबीडियंस कर रहे हैं, यीशु के लहू को आप बेइज्जती कर रहे हैं, यीशु के नाम को बेइज्जती कर रहे हैं। इसलिए इस चीज को याद रखो एज ए क्रिश्चियन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मंदिर परमेश्वर को भवन में रहने के बाद दौड़ से पर दुला खाने पीने के बाद नो अगर पाप फिर करता है तो उस लहू के विरोध, उस नाम के विरोध काप कर लड़ रहा है, जिस नाम के द्वारा इंसान को चंगा देता है, जिस वचन के द्वारा जीवन देता है, उस वचन के विरोध आप काम कर रहा है। इसलिए इस चीज को याद रखो, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है, जैसे अभी लूक चैप्टर 24 वर्स 32 को बताया गया। हालेलुया, इस वचन को कभी भी खोने मत दिल से। और जब भी गीत गाता भी है तो यीशु ने जैसे चंगा किया था, यीशु ने जैसे अद्भुत कार्य किया था, यीशु ने भैरों को सुनने दिया, लंगड़ों को चलने दिया, अंधों को देखने दिया, ये सारा जिसको मन में रखकर गीत गाओ। अभी कुछ गीत गाया था ना, ये गीत गाने से कुछ चीज को याद करके मन में रखकर गीत गाओ, तब चंगा मिलता है, तब शांति खुशी भर जाता है जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। जब गीत गाता कैसा वो आवाज दे रहा है, वो कैसा कपड़ा पहन रहा, वो कैसा लिपस्टिक कर, कैसा क्या फूल लगा के आया, ध्यान रखे कुछ ऐसे बंद नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा बिल्कुल होने वाला चीज नहीं। इस चीज को बोलो क्रिश्चियन आज तक क्यों डुप्लीकेट ज्यादातर नकली क्रिश्चियन निकलता है, ये चार सारा चीज में निकलता है, इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। Praise the Lord. मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ इंपॉर्टेंट इस पृथ्वी में। आई स्पेंट 8 इयर्स इन थियोलॉजिकल कॉलेज, मैंने 8 साल पढ़ा बाइबल कॉलेज में, और 4 साल एज ए लेक्चरर मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाया, और एज ए पास्टर मिनिस्ट्री में भी, एज ए पास्टर शेपर्ड के हिसाब में भी मैंने चर्च में, कहीं कलीसिया में, कहीं चर्च में भी काम करके देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज धन और दौलत नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ इसी वचन में, और परमेश्वर का हाथ पांव दिल यही वचन है। हालेलुया, उसको ग्रहण करने वाला परमेश्वर का हाथ लग जाता है, उसको प्यार करने वाला परमेश्वर का स्वर्ग में जे सुरगुत कैसा होता होगा बोलने का जरूरत नहीं, यहाँ बुरा है। हालेलुया, जब तक जी के रहेगा इस चीज को प्रेम करना सीखो और परमेश्वर का वचन को मान के चलो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।